तो सर आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आर्डिनो सीरीज, जिसमें आप सभी को सीखने मिलेगा आर्डिनो बोर्ड के बारे में और किस तरह से आप उसे प्रोग्राम करके आप अपना खुद का प्रोजेक्ट डेवलप कर पाओगे, तो उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आर्डिनो हार्डवेयर क्या है और उसमें क्या क्या पिन कॉन्फ़िगरेशन है और क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनी, आप देख टेक टॉक छोटी चैनल, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं आर्डिनो क्या है। तो यहाँ पे आर्डिनो एक तरह का सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। तो यहाँ पे जैसे कि आर्डिनो नैनो हो गया, आर्डिनो मेगा हो गया, आर्डिनो उनो हो गया, तो यहाँ पे सीरीज ऑफ बोर्ड्स है जिसे आप प्रोग्राम करके अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर पाओगे। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास है वो है आर्डिनो उनो। तो ये बेसिक वर्जन है आर्डिनो का। अब यहाँ पे और भी टाइप्स के आर्डिनो है तो अभी को इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मैं मूव करता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे अभी हम बात करते हैं आर्डिनो के टाइप्स के बारे में, यहाँ पे किन किन टाइप्स के आर्डिनो अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक वर्जन है वो है आर्डिनो उनो, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है और ज़्यादातर ये यूज़ होता है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स वगैरह में। और यहाँ पे आर्डिनो लियोनार्डो, ये भी आर्डिनो उनो की तरह ही है, खाली इसमें इतना फ़र्क है कि आप आर्डिनो उनो में आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को बोर्ड से अलग कर सकते हो, लेकिन आप लियोनार्डो वर्जन में माइक्रो कंट्रोलर को बोर्ड से अलग नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जो आर्डिनो उनो में है, अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर बंद हो जाता है तो आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन लियोनार्डो वर्जन में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको लियोनार्डो वर्जन में माइक्रो यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा प्रोग्राम अपलोड करने के लिए, जहाँ पे आपको आर्डिनो उनो में टाइप बी का पोर्ट मिलता है प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। यहाँ पे तीसरा है आर्डिनो लिलीपैड। यहाँ पे आर्डिनो लिलीपैड एक सर्कुलर आर्डिनो है, कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे जो इसके एजेस है वहाँ पे आप अपने हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करते हैं आर्डिनो मेगा के बारे में। यहाँ पे आर्डिनो मेगा बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए आर्डिनो मेगा का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्डिनो नैनो के बारे में। तो यहाँ पे आर्डिनो नैनो यूज़ होता है काफ़ी छोटे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे अगर आपको कम डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पे आप अपने आर्डिनो नैनो को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आर्डिनो मिनी के बारे में। तो यहाँ पे आर्डिनो मिनी एक मिनी वर्जन है आर्डिनो का, कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पे आर्डिनो मिनी का प्रो वर्जन भी है, वो कुछ इस तरह से आर्डिनो मिनी प्रो दिखेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट है वो है आर्डिनो बीटी, ये एक तरह का ब्लूटूथ वर्जन है आर्डिनो का, जहाँ आपका डेटा ट्रांसमिशन ब्लूटूथ के थ्रू होगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर्डिनो उनो हार्डवेयर के बारे में। तो यहाँ पे जो ऊपर के 0 to 30 पिन दिख रहे हैं वो एक तरह का डिजिटल पिन है, जहाँ पिन 0 यूज़ होता है सीरियल डेटा रिसीविंग के लिए और पिन 1 यूज़ होता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए। यहाँ पे कुछ पिन्स पे आपको ये सब सिंबल्स दिखते रहेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जो पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10, 11 पिन जो है वो PWM पिन से, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन से। अब यहाँ पे ये पिन यूज़ होते हैं पल्स जनरेट करने के लिए। और तो यहाँ पे जो पिन नंबर 13 है वो कनेक्टेड है इसके इंटरनल LED से, जो कि यहाँ पे L लिखा है, उसके बाजू में एक LED है तो उससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे दो अलग LED दिया गया है डेटा रिसेप्शन और ट्रांसमिशन को इंडिकेट करने के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो TX के बाजू में एक LED है और यहाँ पे RX के बाजू में LED है। और यहाँ पे अगर डेटा ट्रांसमिशन होता है तो TX वाला LED ब्लिंक होता है, और यहाँ पे रिसेप्शन होता है तो यहाँ पे RX वाला LED ब्लिंक होता है। और यहाँ पे एक और LED दिया गया है जो कि है पावर ऑन का LED। यहाँ पे ऑन के लेफ्ट साइड में जो LED है वो इंडिकेट करता है कि आर्डिनो बोर्ड ऑन है या ऑफ है उसके बारे में। यहाँ पे नीचे की तरफ 6 पिन दिए गए A0 to A5, ये सब यूज़ होते हैं एनालॉग इनपुट के लिए, जहाँ पे A0 एंड A1 पिन को हम लोग डिजिटल पिन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये पूरे आर्डिनो बोर्ड में 3 ग्राउंड पिन है, जहाँ पे आप 13 पिन के ऊपर वाला पिन है एक ग्राउंड पिन, और यहाँ पे एनालॉग पिन के ऊपर ही 2 ग्राउंड पिन है, जहाँ पे Vin पिन के बाजू में 2 ग्राउंड पिन दिया गया है। यहाँ पे आप 2 तरह के रेगुलेटेड वोल्टेज आपको मिल सकता है। यहाँ पे 5 वोल्ट का जो पिन है वो 5 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, और जहाँ पे 3.3 वोल्ट का पिन है वो 3.3 वोल्ट का वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पिन दिया गया है वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए दिया गया है, जहाँ पे आप 5 volt to 12 volt तक पावर सप्लाई दे सकते हैं। और उसके बाजू में एक IC है जो कि वोल्टेज रेगुलेटर IC है। अगर यहाँ पे पावर सप्लाई ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेगुलेटर IC है वो बंद हो सकता है। और ये पिन दिया गया है जहाँ पे आपको सेम वोल्टेज मिलेगा जो आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पे एक्सटर्नल पावर सप्लाई पिन पर। दोस्तों यहाँ पे जो कोर है पूरे बोर्ड का वो है ये IC,
ये एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर है एटमेगा 328, जहाँ पे 32 स्टैंड होता है, 32 KB मेमोरी है इसके अंदर, और यहाँ पे जो 8 स्टैंड करता है ये 8 बिट का पूरा माइक्रो कंट्रोलर है। यहाँ पे टाइप बी पोर्ट दिया, जहाँ पे अपने प्रोग्राम को बर्न कर सकते हो या फिर लोड कर सकते हो अपने आर्डिनो बोर्ड में, और यहाँ पे आप इसे पावर सप्लाई की तरह भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम हैवी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वो मोटर्स हो गए, यहाँ पे हमें पावर सप्लाई इस पावर सप्लाई पिन से देना है, क्योंकि अगर हम इससे देते हैं तो हो सकता है कि आपका आर्डिनो बोर्ड बर्न हो जाए। यहाँ पे हमें इस बोर्ड में दो कैपेसिटर मिल जाते हैं, और साथ साथ हमें एक रीसेट बटन मिल जाता है, जहाँ पे अपने प्रोग्राम को स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप अपने आर्डिनो बोर्ड को रीसेट कर सकते हो। यहाँ पे हमें इस बोर्ड में देखने मिलता है 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पे जो आर्डिनो बोर्ड में जो भी हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं वो अपलोड करते हैं यूएसबी पोर्ट से। यहाँ पे ज़रूरी है कि हम डेटा को यूएसबी प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करें, ताकि हम इस बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड कर पाएँ। तो इसलिए हमें दिया गया है यहाँ पे एटमेगा 16U का माइक्रो कंट्रोलर, जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो डेटा है उसे कन्वर्ट करते हैं यूएसबी प्रोटोकॉल में और वाइस वर्सा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 6 पिंस दिए गए हैं, और यहाँ पे कुछ 6 पिंस दिए गए हैं वो है ICSP, जिसे हम कहते हैं इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमें दो पोर्ट्स मिल जाते हैं पिन के लिए, जहाँ पे इसमें से एक है SCL और एक है SDA। जहाँ पे SCL का मतलब है यहाँ पे सीरियल क्लॉक, और दूसरा है सीरियल डेटा, जो कि यूज़ होता है क्लॉक या सीरियल डेटा प्रोवाइड करने में। और यहाँ पे जो ARF जो पिन दिख रहा है वो है इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन। यहाँ पे इस पूरे बोर्ड में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है आर्डिनो आईडी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा आर्डिनो उनो बोर्ड के बारे में, और साथ ही उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन या फिर किस तरह से वर्क करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम अगले एपिसोड में आप सभी को बताएंगे आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका नाम है आर्डिनो आईडी। तो बस इस वीडियो में इतने ही, और आपको वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, उसके शेयर कीजिए, ताकि हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और आपको अभी कुछ क्वेरीज है, कोई सजेशन देना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, तो आप अपने क्वेरीज या सजेशन दे सकते हो। सर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ना भूलें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे। Thank you.